नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की। अभी कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों में ये सूचना आ रही है कि UP SSSC नए साल में विद्यार्थियों को देगा 50,000 नौकरियाँ। इस दावे की पोल खोली है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे ने। देखिए उनका ये वीडियो। झूठों से कहा है सच बोलो कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। आज इस लाइन को बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की 2017 से जो आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसने नौजवानों को हर साल 13 लाख नौकरियां देने के नाम पे इस सरकार में इस सत्ता में आई, और आए दिन अखबारों के माध्यम से किस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम ये सरकार कर रही है, आज उसकी इंतहा हो गई। ये एक खबर आई है जिसमें लिखा गया है कि अधीनस्थ सेवा के 50,000 पदों पर भर्तियां होंगी, और ये खबर कल की है, यानी दिसंबर 2020 खत्म होने को है, और ये खबर आदित्यनाथ जी के ऑफिस से अखबारों के माध्यम से छप के आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आदित्यनाथ जी अपने लफाजियों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किस तरीके से बरगला रहे हैं। सेम यही खबर जनवरी 2020 में थी, खत्म होने को है, और ये खबर आदित्यनाथ जी के ऑफिस से अखबारों के माध्यम से छप के आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आदित्यनाथ जी अपने लफाजियों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किस तरीके से बरगला रहे हैं। सेम यही खबर जनवरी 2020 में थी, जिसमें आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 25,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन में नौकरियां दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि 25,000 नौकरियों को क्या हुआ। उसके बाद 2017 में जो निकाय चुनाव हुआ था, उस दौरान आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 4,000 लेखपालों की भर्ती की जाएगी, इसका क्या हुआ। फिर इन्होंने निकाला कि लेखपालों के 8,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसका क्या हुआ। फिर इन्होंने कहा कि 8 महीने के अंदर 26 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इसका क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, जो 4 साल 6 साल दूर रह के घर से तैयारी करता है, कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए कि आदित्यनाथ जी हमको कितना नौकरियां देना चाहते हैं। वो तो एक नौकरी की तैयारी कर रहा है, और आदित्यनाथ जी हर महीने 5,000, 4,000, 6,000, 8,000 नौकरियां दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बात को समझ चुका है कि आदित्यनाथ जी लफाजी करने वाले नेता हैं, इनकी सरकार नौजवान विरोधी सरकार है, गरीब किसान मजदूर। तो ये आप सुन रहे थे वंशराज दुबे जी को, जिन्होंने पूरी पोल खोली योगी सरकार की रोजगार विरोधी नीति की। जो हाल UP SSSC का है, वही हाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है। 2016 की भर्ती है और अभी तक परिणाम भी जारी नहीं किया गया, जबकि बहुत सारे विषयों के साक्षात्कार भी हो चुके हैं, और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी अभी तक नहीं आया। पहले ये कहा गया था कि 20 तारीख तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, फिर कहा गया 25 तारीख तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और विद्यार्थियों का दावा ये है कि जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो 6 महीने से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आए ही नहीं है। थक हार कर विद्यार्थी फिर से 29 तारीख को चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करेंगे, और जो चेयरमैन का आवास है उसका घेराव करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है, चयन बोर्ड के आवास का होगा घेराव, सामाजिक विज्ञान विषय 2016 के साक्षात्कार तत्काल शुरू करो, सभी विषयों के लंबित परिणाम वादे के मुताबिक जारी करो, TGT PGT के संशोधित विज्ञापन में तदर शिक्षकों के पदों को जोड़ करके तत्काल विज्ञापन जारी करो। ये विद्यार्थियों की मुख्य मांगे हैं, और इन्हीं मांगों को लेकर के विद्यार्थी 29 दिसंबर को प्रयागराज में प्रदर्शन करें। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्रों का आरोप है कि अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 6 महीने से नहीं आ रहे हैं, जिससे चयन बोर्ड की कार्य प्रणाली कछुए की चाल से भी बदतर है। ऐसे में 29 दिसंबर को चयन बोर्ड में विद्यार्थी प्रदर्शन करेंगे, और चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पर घेराव किया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कुछ हो नहीं रहा है, दूसरे राज्यों में जरूर कुछ न कुछ भर्तियाँ आ रही हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। फिलहाल मध्य प्रदेश से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के
4000 पदों का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। मेरे पास है ये नोटिफिकेशन 24 तारीख को ही आना चाहिए था, लेकिन ये नोटिफिकेशन 24 को जारी नहीं हो सका, आज ये जारी हो गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, 4000 कुछ पदों की ये भर्ती है। और जो इसकी लास्ट डेट है उसको आप लोग जरूर देख लें, लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है 14 जनवरी, इसकी लास्ट डेट है। ₹800 का फॉर्म है। परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। पुलिस सिपाही की जो भर्ती होती है मध्य प्रदेश में, उसमें एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में एक फिजिकल होता है। रिटन एग्जाम जो होता है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पर वो समय भी लिखा हुआ है कि जो रिपोर्टिंग का समय है वो क्या है और उत्तर अंकित करने का समय कितना दिया गया, 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे का समय इस परीक्षा में विद्यार्थियों को मिलता है। नागरिकता के संबंध में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि या इस भर्ती पर वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो भारत का नागरिक हो। यहाँ पर लिखा है कि जो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तो उसके लिए सिर्फ इतना है कि उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल सीटों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और आयु सीमा की भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश में आवेदन करने के लिए पुलिस की भर्ती में न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र जो है वो 33 साल रखी गई है। SC ST और OBC को 5 साल की छूट भी दी जाती है। वेतनमान भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेतनमान कितना, 19,500 से लेकर के 62,000 के बीच में वेतन मिलेगा। और ये आयु के बारे में अगर बात करें, जो बात मैंने अभी आपको बताई 18 से 33 वर्ष की आयु यहाँ पर लिखा हुआ है। शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो पुरुष के पास 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सीना 61 होना चाहिए, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और नीचे लिखा है महिला वर्ग की जो हाइट है वो इस बार कम कर दी गई है, पिछली बार 158 मांगी गई थी, इस बार 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर अनुसूचित जाति को छूट भी दी गई है, SC को 160 सेंटीमीटर की हाइट और महिला को 155 की हाइट। SC को जो सीना है उसमें भी छूट दी गई है, यहाँ पर 76 सेंटीमीटर से लेकर के 81 सीना मांगा गया है। सिपाही पद के लिए यानी कि आरक्षक GD कांस्टेबल के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो इसमें एक और पद है आरक्षक रेडियो का, तो उसमें इंटरमीडिएट विद्यार्थी को पास होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर की योग्यता भी मांगी गई है। इसके बाद में परीक्षा प्रारूप के बारे में मैंने बता दिया कि जो कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें एक केवल परीक्षा होगी, और जो रेडियो वाली भर्ती है कांस्टेबल की उसमें 2 परीक्षाएँ होंगी। और जो कांस्टेबल की भर्ती है उसमें परीक्षा के बाद में सीधे फिजिकल होगा विद्यार्थियों का, फिजिकल के बारे में भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। हालांकि 2 घंटे का समय ये रिटन का है और 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो केवल क्वालिफाइंग होगी, उसके कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, जो मेरिट बनेगी वो केवल और केवल रिटन के नंबर से बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फिजिकल है वो किस तरीके से होगा, कितने पे आदमी को क्वालिफाई करना विद्यार्थी को, यहाँ पर पूरी बात लिखी हुई है। जैसे 2 मिनट 45 सेकेंड में दौड़ पूरी करनी है, गोला फेंकने की जो दूरी है वो 19 फीट यहाँ पर लिखा हुआ है, गोले का वजन भी लिखा है 7.260 और लंबी कूद जो है वो 13 फीट की होनी चाहिए। ये सब बातें इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं। ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल में आपको इस तरह की नोटिस इत्यादि मिलती रहेंगी। अगली सूचना है उत्तराखंड की भर्ती का। लिखा हुआ है कि एक विज्ञप्ति जारी हुई है, आज लिखा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या का नंबर लिखा हुआ है, उसमें विभिन्न पदों के लिए एक भर्ती आई थी, लगभग 800 पद थे, उसकी जो अब लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर लिखी हुई 8 जनवरी कर दी गई है। ये देखिए लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो अब 8 जनवरी कर दी गई है। उत्तराखंड में ये जो भर्ती आई थी विज्ञापन के अनुसार इसमें जो पद थे वो असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के थे, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के थे, सहायक समीक्षा अधिकारी के थे, सहायक चकबंदी अधिकारी के थे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के थे, ग्राम विकास अधिकारी के थे, बहुत सारे जो पद थे इस भर्ती में थे। पदों की संख्या थी 854, लास्ट डेट थी 9 दिसंबर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो आप लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।